समझती है, इतना अकड़ती है, कॉलेज में नहीं नहीं आई एक लड़की है। सबसे पहले तो पूरी दुनिया को मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस एवरीवन। मैं एक साल का था जब मैंने खिलाड़ी देखी थी और क्या खबर थी जाना तुमसे प्यार हो जाएगा। विश्व सर हो या एचआर, सबकी आप ही हैं पहला नशा पहला खुमार। प्रेजेंटिंग द क्यूटी पाई द बेबी डॉग आयशा जुल्का। आपसे तो मैं कभी नहीं रूठूंगा क्योंकि तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम, और आप रो देंगी तो मेरे पिताजी यानी कि उदित जी मुझे डंडे से पीटेंगे। और आप जवानी से लॉन्च हुई थी और फिर आपने लव 86 की, मेरे हिसाब से आपको जवानी 2 में रीलॉन्च होना चाहिए और आप चाहे तो मेरे साथ लव 2026 नाम की फिल्म कर सकती हैं। आप बड़े बदमाश हो। जी बिल्कुल, वो तो मैं बड़े बदमाश हो। आपकी शादी हो गई है ना? लेट्स प्रिटेंड कि नहीं हुई है। यहाँ पर नहीं है श्वेता। और अगर आप सीरियसली कुछ सोच रही हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैं अपने बिल्कुल नए समीर बैठे हैं घर पे। नमस्ते सर, बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं मैम। हम दोनों के हस्बैंड्स का नाम समीर है बाय द वे। इतनी पक्की दोस्ती है यहाँ पर? लेकिन है, इट्स अ फैक्ट, हम दोनों दोस्त हैं और बहुत सालों से हैं। हम मिलते कम हैं लेकिन ऑन एंड ऑफ फोन पे टच में रहते हैं, मिलते रहते हैं एक दूसरे को। सो ये बहुत ही प्यारी दोस्त है मेरी। लोग जो कहते हैं ना इंडस्ट्री में दोस्तियां नहीं होती, वो गलत कहते हैं। दोस्तियां हमेशा मिलने से ही नहीं होती, एक दूसरे को याद रखने से भी होती हैं। इनकी दोस्ती के लिए तालियां। ये पहली बार मैं इंडियन आइडल पे आ रही हूँ एंड बहुत 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 खुशी हो रही है। एंड आप सब कंटेस्टेंट्स को मिलके बहुत खुशी हो रही है। एंड एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मम्मी मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है इस प्रोग्राम की। मतलब हर वीकेंड सब कुछ छोड़ के इंडियन आइडल देखती है। ऑसम, आपकी मम्मी को, आपकी मम्मी को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू आयशा जी, एक बार जोरदार थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से हमें मिल चुके हैं इंडियन आइडल 13 के टॉप 10। आज भी जजेस कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंसेस को करेंगे स्कोर और एपिसोड के एंड में हमें मिल जाएंगे हमारे टॉप 9। बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट को, सख्त लड़के की मिसाल जिनसे रिजेक्ट होना चाहती हैं लड़कियां आल, चिराग कोटवाल। आयशा जी, नीलम जी, कभी आपसे किसी ने पैसे उधार लिए हैं और उसके बाद वापस नहीं दिए हैं? ओह माय गॉड, आयशा जी कौन है वो? ये तो बताना सही नहीं होगा लेकिन जिसने लिए उसे तो पता है कि लिए हैं। मैं बहुत कंजूस हूँ, मेरे पति को पता है मैं कितनी कंजूस हूँ कि सब्जी का पूरा हिसाब, पूरा बिल मैं चेक कर लेती हूँ। तो मैं बार्गेन करती हूँ। That's not कंजूसी। हाँ, that is. Being, so I said ना practically, that's not कंजूसी। मैं भी करती हूँ, मैं देखूंगी कहाँ पे सबसे सस्ता मिल रहा है वहाँ से ऑर्डर करेंगे। But that is a good गृहिणी ना? I guess, I have no idea. हाँ नहीं, we are not even asking you. नीलम जी। हाँ जी। मेरी भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। सिर्फ 1.5 कैरेट का डायमंड पहना है मैंने। इस गरीब पे एक दान कर दीजिए। पता है, मैं अपने ज्वेलरी ब्रांड से 2 कैरेट का दे दीजिए। चल फू। ऑल द बेस्ट यार चीरू। थैंक यू भैया। चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार क्या होता है, दीवाना दिल जब धड़के पहली बार क्या होता है, बेगाने बन जाते हैं यार 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 यार, अनजाने हो जाता है प्यार 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 प्यार, ये
क्या होता है कैसे होता है जाने ये कोई ना चोरी चोरी जब हो आंखें चार क्या होता है दीवाना दिल जब धड़के पहली बार क्या होता है सारा ये शहर देखा घूम के देखे लाखों हंसी हो हमको है यकीन दिल जो पागल कर जाए वो दीदार क्या होता है जाना अब हमने जाना पहला प्यार क्या होता है बेगाने बन जाते हैं यार 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 अनजाने हो जाता है प्यार 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 ये क्या होता है कैसे होता है जाने ये कोई ना चोरी चोरी यूं जब वो आंखें चार क्या होता है दीवाना दिल जब धड़के पहली बार क्या होता है ये जो तेरी पायलों की छन छन है ये जो तेरी पायलों की छन छन है आशिकों के दिल की ये धड़कन है ये जो तेरी पायलों की छन छन है आशिकों के दिल की ये धड़कन है छन छन सुन जाए हाय हाय कह जाए पायल है तेरी या उलझन है ये जो तेरी पायलों की छन छन है आशिकों के दिल की ये धड़कन है को जमी पे मेरे लिए ही उतारा है ख्वाब इतने सुहाने देखना ओ दीवाने तुझ पे फिदा हो जाऊं मैं दिल में राना ये माने यही तो समझ नहीं पाया हूं मैं ऐसी भी क्या तेरी मेरी अनबन है यही तो समझ नहीं पाया हूँ मैं ऐसी भी क्या तेरी मेरी अनबन है चल चल सुन जाए हाय हाय कह जाए पायल है तेरी या उलझन है ये जो तेरी पायलों की छन छन है आशिकों के दिल की ये धड़कन है आशिकों के दिल की ये धड़कन है आशिकों के दिल की ये धड़कन है ये जो गाना है चोरी चोरी मेरी आंखें चार हो गई थी शूटिंग के वक्त क्योंकि हम लोग ऊटी में शूटिंग कर रहे थे और बहुत बारिश हो रही थी फिर उसके बाद मेरे डेट्स नहीं थे तो दो दिन में हमको ये गाना ख़त्म करनी थी और दिन में शूटिंग किया फिर पूरी रात शूटिंग किया और 4 बजे मेरी आंखें चार हो गई थी और मैं बेहोश हो गई क्योंकि मैं इतनी थक गई थी चक्कर आके मैं गिर गई और बेचारे सनी डियोल ही वाज ट्राइंग टू होल्ड मी एंड कैरी मी एक बात मैं तुम्हारे बारे में कहना चाहती हूँ कि कह दूँ बोल दो तुमने जो किया है राखी बंधवाने वाला एपिसोड यस मैम मैं तो तुम्हारी कायल हो गई हूँ ऐसे बहुत कम लड़के करते मेरे साथ भी एक ऐसा किस्सा हुआ था मैं जब बहुत छोटी थी शायद 9th या 10th स्टैंडर्ड में थी जी तो मुझे एक लड़का बहुत पसंद था
और मुझे हमेशा लगता था कि ये मुझे देखे. स्कूल की बस से जब मैं उतरती थी उसका भी स्कूल टाइमिंग सेम था, और अगर मेरी बस जल्दी आ गई तो मैं कोई ना कोई बहाना बना के 10 मिनट इधर उधर कोई ना कोई फ्रेंड से बात करना आई. लेकिन उस लड़के ने मुझे कभी देखा ही नहीं. सो सैड, आई नो. और मुझे बहुत बुरा लगता था कि कमाल है, मुझे देखता भी नहीं है, मैं कैसे, हाउ विल ही प्रपोज मी, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियां जाकर प्रपोज करें ये सब तो बहुत मुश्किल था जी. और मैं राखी लेकर नहीं जा पाई. मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैंने बहुत वेट करी फिर गिव अप कर दिया. बट गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. आज पछता रहा होगा वो लड़का. हाँ, पता नहीं कहाँ होगा. जजेस, चिराग की परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए. तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, सोनाक्षी कर. इस वक्त इतने ग्रेट
सिंगर्स और कंटेस्टेंट्स के बीच में कोई ये नहीं कहता बाहर कि सोनाक्षी विनर हो सकती है, लेकिन सोनाक्षी विनर हो सकती है बिकॉज वो इतनी ग्रेट सिंगिंग कर रही है. तुम में वो सारी खूबियां, पोटेंशियल है कि तुम विनर बन सकती हो, और तुमने ये परफॉर्मेंस से ये बात साबित कर दी है सोनाक्षी. आउटस्टैंडिंग सोनाक्षी, आपकी आवाज इतनी मीठी है, बिल्कुल बंगाल की याद आ रही है, जैसे मिष्टी धोए संदेश. जैसे रसगुल्ला. आयशा जी. हाँ जी. कैसा लगा आपको? कैसा लगेगा आदि, ये तो बहुत यादें ले आता है वापस. ये गाना 30 साल हो गए हैं इस फिल्म को, और वक्त कैसे बीतता है, और ऐसे लगता है कि काश आज भी ये गाना कहीं जाके वादियों में गुनगुना सकते, परफॉर्म कर सकते वापस. आई मीन इट्स जस्ट आई लव दिस सॉन्ग. अरे आयशा जी, काश क्यों, वादियां वादियां अब तो वादियां ऑन द स्क्रीन, सब यही होगा. ये इंडियन आइडल का स्टेज है, यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है. आऊं मैं? प्लीज चलो. ये वाइट ड्रेस में आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, मतलब फैंटास्टिक, टू गुड. थैंक यू सो मच नीलम, आज सचमुच वही दिन वापस याद आ गए. वाओ, कितनी सुंदर बोल है. चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. <Wow. laughs>
सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का तू बल खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई जो इन मौजों में डूबा उसमें ही दुनिया पाई तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तूने बनाया तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तूने बनाया तारीफ पागल हो गए देखिए क्या असर है हमारा लोगों पे थैंक यू सो मच आयशा जी थैंक यू सो मच नीलम जी मजा आ गया मजा आ गया और अब आ रहे हैं ऋषि सिंह मस्त निगाहों में नशा है अदा है मोहब्बत है ओ आजा तुझे बाहों में ले लूं मैं रूप ये गजब है कयामत है धड़कने तेज हो जाने दो प्यार में होश खो जाने दो तेरी मस्त निगाहों में नशा है अदा है मोहब्बत है देखा तेरी मस्त निगाहों मोहब्बत है हो देखा तेरी मस्त निगाहों में नशा है अदा है मोहब्बत है ला 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 Rishi, I have to stand up. You were brilliant. Matlab, I was telling Ayesha ki mujhe ye goosebumps. She was getting goosebumps. I was getting goosebumps. Sachi, you've got such a powerful, amazing voice. Thank you, ma'am. Thank Seriously. You. Seriously. My mother. आपकी बहुत बड़ी फैन है थैंक यू मैम एंड जब मैं शूटिंग के लिए आ रही थी ये आज तो मुझे बता रही थी कि प्लीज़ ऋषि को बता देना मैं बहुत बड़ी फैन है एंड विश हिम ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच ऋषि क्या कर दिया तुमने क्या चाहते हो तुम
कल तुमने अब्बास मुस्तान से अपना म्यूजिकल ब्रेक ले लिया, आज तुम इस लेवल का परफॉर्मेंस दे रहे हो जैसे तुम्हें सचमुच किसी से मोहब्बत हो गई है, और तुम कह रहे हो कि देखा तेरी मस्त निगाहों में, यू नो यू वर सिंगिंग लाइक समवन जेन्युइनली लव, मोहब्बत एहसास। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया। ये बहुत जबरदस्त तुमने गाया, क्यों विदिप्ता? कैसा गाया उसने? अच्छा लगा ना? इसी तरह तुम्हें हर बार बहुत ज्यादा पसंद आएगा हमारे ऋषि का परफॉर्मेंस। मैं वादा करता हूँ कि ऋषि तुम्हें कभी भी मायूस नहीं होने देगा। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है। कभी भी तुम्हारी जो उम्मीदें हैं उसकी सिंगिंग को लेकर, वो हमेशा पूरी होगी इंडियन आइडल में, याद रखना है मेरी बात। फैंटास्टिक। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ऋषि, वेल डन। तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, जिनकी आवाज में है कुदरत का आवास, शेजूती सिंगर ए खास दास। आप इधर आएंगी एक मिनट, मैं इसके कान खींचना चाहती हूँ अगर आप सबकी परमिशन हो तो। यस। तुम क्विट करने वाली थी ना? मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको बेटा, दैट इट इज नॉट सो इजी टू बी हियर। बिल्कुल मैम। आपको पता है सबको परेशानियाँ होती हैं, घर में परेशानियाँ होती हैं। मेरे फादर 84 ईयर्स ओल्ड हैं जी, उन्हें पार्किंसंस है। पिछले 7 साल से हम बहुत कुछ सह रहे हैं उनके साथ में, उनको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ,
चाहे वो एक घंटे के लिए हो चाहे वो एक हफ्ते के लिए हो, उनका एक ही सवाल आता है, फिर से जा रहे हो? सो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना वक्त हो सके अपने माँ बाप के साथ गुजारूँ. लेकिन जब मैं आपकी उम्र की थी, जब मैंने एंट्री ली थी इस इंडस्ट्री में, तब मैंने ये तय किया था कि मैं अपने माँ बाप को, अपने परिवार को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, जो हर बच्चा यही उम्मीद करता है ना, यही कोशिश करता है. आज जहाँ पे आप हो, अगर आप अपने आप को बरकरार नहीं रखोगे और वो ऊंचाइयाँ वहाँ तक नहीं पहुँचोगे, तो आप वो कम्फर्ट कैसे दोगे उनको? हाँ बिल्कुल मैम, मैंने वही सोचा था. लेकिन थैंक्स टू सर एंड सर, मतलब हमारे जजेस ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और बहुत उन्होंने बोला है कि वो ख्याल रखेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगी और मैं तिगना मेहनत करूँगी अभी और हक से मैं ट्रॉफी लेके जाऊँगी. एक चीज़ है हमेशा याद रखना, जो मैं हमेशा याद रखती हूँ, टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू. संजुति, ये जो परफॉर्मेंस है वो एक ऐसे लेजेंड, एक ऐसे सुपरस्टार सिंगर की तरह तुमने परफॉर्म किया है, जिस तरह कोई एक 300-400 गाना गाने के बाद कोई माइक पे आता है, एफर्टलेसली उसे परफॉर्म करता है और निकल जाता है. फैंटास्टिक, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, हिस्टोरिक, इनक्रेडिबल, अल्टीमेट, एपिक, जय माता दी, लेट्स रॉक. थैंक यू सो मच. मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज भी मैं नीलम का ये गाना देखती हूँ ना, तो ओह, शी हैज बीन अ फैबुलस डांसर, शी स्टिल इज, बट लुक हू इज टॉकिंग. नो, यू आर समवेयर एल्स. दैट्स सो स्वीट. इट कम्स सो नेचुरली टू यू. हमें तो बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई. डांस डायरेक्टर्स को पूछो, कोरियोग्राफर्स को पूछो. थैंक यू, यू आर टू स्वीट. थैंक यू. नो रियली, यू हैव टू एक्चुअली टीच मी हाउ टू डांस नाउ. चलो एक शर्त है, अगर मैं इस पे डांस करूंगी तो ये भी मेरे गाने पे डांस सवाल है. ये जो आइडिया दिया है आयशा जी आपने, वाओ. पहला नशा, पहला खुमार,
वाह क्या बात है क्या लग रहे थे आप दोनों जेन्युइनली संज्योति आपने मौसम बदल दिया तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को विनीत सिंह जब आप गा रहे थे तो वहां पर बैठे हमारे एचआर की आंखों में आंसू थे वो इमोशनल हो गए थे सर फैंटास्टिक क्या सिंगिंग है क्या तुमने दिल के तार छेड़ दिए हैं विनीत आउटस्टैंडिंग सिंगिंग और बिल्कुल तुम जब ये गाना गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक एक अल्फाज को तुम जी रहे हो और एक सिंगर की सच्ची जो टेस्ट होती है वो यही होती है कि वो सिर्फ उसके सुर या उसके अल्फाज उसको सिर्फ इमोट ना करे बल्कि उसको जिए और तुमने एक एक लफ्ज़ को जिया एक एक एहसास को जिया ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस थैंक यू सर मुझे जब कांटेक्ट किया गया था कि इंडियन आइडल में आपको आने का मौका दिया जा रहा है तो मैं बहुत खुश हुई थी फॉर अ सिंपल रीज़न विनीत जेन्युइनली तुम मेरे फेवरेट हो थैंक यू मैम थैंक यू
Your performance was outstanding, superb, and what a beautiful song. Thank you, ma'am. Judges, Vineet ki performance par scores de dijiye, please. De chuke. Thank you, Vineet. Bahut acche bhai. Mazedar. Santa Claus se Honolulu ke log kya mang rahe hain? Us insaan ka naam jo vidipta ko apna inspiration manta hai. Kaun hai jo vidipta ka naam har kauwe ki chonch par likhta hai aur gaata hai? Kauwa kauwa bittu se mujhko pyaar, kauwa kauwa bittu pe dil nisaar, kauwa kauwa bittu se mujhko pyaar. Jo apne is crazy fan ke liye ख्यालों से गुजरती विदिप्ता चक्रवर्ती. खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है, कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है. सब कह रहे थे कि आप इतने सुंदर हो, कितनी क्यूट हो, बट सच्ची रियल लाइफ में आप बहुत सुंदर हैं. थैंक यू सो मच. काफी डायरेक्टर्स भी आए हैं इस शो पे और कहा है कि आपको हीरोइन बननी चाहिए. है कि नहीं? जरूर बनो, मगर एक सरप्राइज है आपके लिए. अरे वाह, सरप्राइज, क्या बात है. क्रिसमस में क्या एक से एक गिफ्ट्स आ रहे हैं हमारे पास. मेरा ज्वेलरी का ब्रांड है नीलम ज्वेल्स, तो मैंने सोचा कि एक गिफ्ट मैं आपके लिए लेके आऊं. नॉट ओनली दैट, मैं सोच रही हूं कि आप क्यों ना मेरा मॉडल बन जाए. यू हैव टू बी द फेस ऑफ नीलम ज्वेल्स. आप इतनी सुंदर लग रही हैं. वाह, थैंक यू सो मच मैम, इट मींस अ लॉट. परफेक्ट, क्या बात है. नीलम जी, आज क्रिसमस है, पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है, हमारे बच्चों ने भी किया. कैसे सेलिब्रेट किया मैं दिखाता हूं. ऐसे सेलिब्रेट किया. इस बार तो बहुत स्पेशल है क्योंकि हम लोग आइडल के फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस. साल के एंड में ये जो एक फेस्टिवल आता है क्रिसमस, ये मेरा पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि बचपन से ही सेंटा क्लॉज का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है अभी तक मुझे. आज क्रिसमस है, मैं देख रही हूँ कि सब लोग ट्रीज को सजाते हुए देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ये क्रिसमस होता क्या है, तो मैं तो कभी नहीं देखा. हमारे घर की हालत ऐसे होता है कि हम कभी अच्छे से कोई फेस्टिवल नहीं मनाया और कैसे आता है फेस्टिवल कैसे जाता है यही कभी नहीं समझा. और इधर आने के बाद तो इतना सारा कुछ देखा, बहुत अच्छा लग रही है मेरा. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas. Santa bhai aage le, jaage le. Aditya. Oh my god, main to sabko khol ke dikhaunga. Merry Christmas.
Thank you, Santa. Adi ko kitab. Udhar vasool karne ke 1500 tarike. Chirag, aapke liye bhi ek gift hai. Chirag, Merry Christmas. Wow. उधार चुकाने से बचने के 1500 तरीके ये अगला गिफ्ट शिवम के लिए है हर गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये लीजिए शिवम नवदीप विनीत ऋषि चिराग लेकिन आदि तुम्हें नहीं लगता कि अपना जो सैंटा है जी सर उसे हमने कहीं देखा है जी सर मैं चाहता हूं कि सैंटा अब अपना चेहरा दिखा दीजिए ओह क्या बात है यार अरे ये तो अपनी आयशा जी हैं ओ माय गॉड देबो के लिए एक खास गिफ्ट मैरी क्रिसमस देवो तुम अपने मम्मी पापा को कहीं घूमने ले जाना चाहती थी कि मैं उनको कहीं छुट्टियों पे ले जाऊं हाँ ठीक सुना मैंने तो मैं तुमको गिफ्ट कर रही हूँ 2 nights and 3 days का एक पैकेज गोवा के लिए जहाँ पे मेरा रिजॉर्ट है मिकनस ब्लू रिजॉर्ट अरे वाह और आप अपने पूरे परिवार के साथ वहां जाइए एंजॉय कीजिए आराम से रहिए और ये मेरी तरफ से खास आपके लिए क्या बात है थैंक यू सो मच सैंटा जी आमीन आयशा जी कितने दिलदार सैंटा है हमारे बहुत अच्छा लग रही है मैं क्या कैसे बोलूं मतलब मैं सोचा कि गिफ्ट आएगा मतलब ऐसा गिफ्ट आएगा मैं नहीं सोचा मैं बहुत बहुत थैंक यू मैम एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी प्यारी सी सैंटा क्लॉस आयशा जी आई मीन इट थैंक यू एंजॉय योरसेल्फ वी लुक आफ्टर यू और अब देबोस्मिता एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए देबोस्मिता मेरे लिए ये परफॉर्मेंस इंडियन आइडल की हिस्ट्री का देबोस्मिता का नंबर वन परफॉर्मेंस है। वाओ जरूर लगता है कि देबोस्मिता ने इतना अच्छा गाया
तो तू रूठा पे लिपसिंग तो नीलम का होना चाहिए यार. समीर खुश हो जाएगा. Come on. तुम्हारा समीर. समीर के नाम पर. Thank you, Neelam ji. Mausam badal gaya. Come on. Thank you, Debosmita. Thank you, sir. So, chaliye bulate hain agle contestant ko. Navdeep, Wadali. के लिए एक शेर आपकी नजर कि वो नहीं वो जो उनसे पदे बैठे हाँ, कि वो नहीं वो जो उनसे पदे बैठे कोई जाकर उनको कह दे कि हम उन पर मरे बैठे. शायर ने इस चीज का जवाब देते हुए कहा है यूं ना करना घुमा अपने पर यूं ना करना घुमा अपने पर लोग तुमसे भी परे बैठे हैं. वो भोला बाला चेहरा तेरा भोली भाली आंखें आंखें बिन बोले कह जाती हैं सौ सौ बातें. तेरे लिए लाया हूँ अपने दादों की सौगातें. तूतक 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 तूतियाँ तूतक 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 तुझको तो ये जाने क्या हो जाए कहने से तेरे नजर हटे ना दिल ये क्या हो जाए. तू है मेरा साथिया. हाँ हाँ मैंने सबसे कह दिया. hey, 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 hey.
Tutak tutak tutiya, I love you. Itna maza aaya, Sachi. What a performance. इस परफॉर्मेंस के बाद तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही बात करनी चाहिए नवदीप तुमने मौसम बदल दिया सो जजेस ऑडियंस फाइनली अब वो घड़ी आ गई है जहां पर एक तरफ नॉट सो गुड न्यूज है क्योंकि हम एक कंटेस्टेंट को इस शो से खो देंगे लेकिन गुड न्यूज ये है कि हमें मिल जाएंगे इंडियन आइडल सीजन 13 के टॉप 9 कंटेस्टेंट्स कल और आज के जजेस स्कोर्स के मुताबिक जो तीन कंटेस्टेंट्स जिन्हें सबसे कम स्कोर्स मिले हैं पहला नाम चिराग दूसरा नाम काव्या और तीसरा और आखिरी नाम है विनीत जजेस वो कौन सा नाम है जिसका सफर आज इंडियन आइडल पर खत्म हो जाएगा नाम लेने के पहले बस इतना कहना है आप तीनों आप तो जानते हो आप कितने काबिल और कितने बेहतरीन कलाकार हो हम सब दोस्त बन गए फैमिली बन गए तो किसी को भी खोना स्टेज पे आसान नहीं है और इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज जजेस सेफ है कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा मेरी क्रिसमस Merry Christmas! आज है no elimination. जाइए काव्या, चिराग और विनीत. Congratulations. Merry Christmas. No elimination. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.